अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सॉवरेन लीगल कैंपस। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हमारी पहली क्लास है इंट्रोडक्शन, तो इसमें हम पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो ये आज की हमारी क्लास होने वाली है, तो चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने से पहले आप सब लोगों को ये तो पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क क्या है। नहीं पता तो आप, ये है कि जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं तो दोनों की मीनिंग सेम ही आती है कि मुआहदा, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है दोनों में। कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एग्रीमेंट क्या है, इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। अब एग्रीमेंट ऐसे होता है, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। अब इस तरह है कि कोई भी प्रॉमिस हो या उसके सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन, और उसमें कंसीडरेशन हो रही हो फॉर ईच अदर, इज एन एग्रीमेंट। जिस तरह अब देखा जाए कि दो पार्टीज हैं, वो आपस में एग्री हो रही हैं किसी चीज़ पर, यानी बीच में कोई चीज़ है जिस पर एग्री हो रही है, वो कंसीडरेशन, उसे हम कहते हैं किसी चीज़ की एक्सचेंज हो रही है, समथिंग इन रिटर्न, तो ये एग्रीमेंट में आ रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, उसे हम एग्रीमेंट कहते और कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि ओरल जो है एग्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि एग्रीमेंट में भी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक सोशल एग्रीमेंट होता है और दूसरा एग्रीमेंट होता है कमर्शियल। सोशल एग्रीमेंट के बिहाफ पर हम किसी को सू नहीं कर सकते कोर्ट में। जो अब ये एग्जाम्पल आ रहा है हमारा कि अली और अहमद का, अली ने इनवाइट किया अहमद को डिनर पर, तो अहमद ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या हो गया? ये एग्रीमेंट हो गया। अब ये इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है? क्योंकि अब इसमें अगर अली नहीं भी जा रहा, तो ये अली वो अहमद नहीं जा रहा अगर, तो अली उसे सू नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है। कमर्शियल एग्रीमेंट इसके बरक्स होता है, जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी होती है, जो एलिमेंट होते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। अब एक और एग्जांपल है कमर्शियल एग्रीमेंट की, कि अली और अहमद के दरमियान अली बेच रहा है 2000 केजी गंदम का, और वहाँ अहमद खरीद रहा है उसे 50,000 रुपये में। तो अहमद बेचना चाहता है 2000 केजी गंदम और अली उसे खरीदना चाहता है, दोनों में एग्रीमेंट हुआ, दोनों एक दूसरे के लिए जो है कंसीडरेशन दे रहे हैं, जैसे अली के लिए कंसीडरेशन हो जाएगी 50,000 रुपये और अहमद के लिए कंसीडरेशन हो जाएगी उसकी गंदम, जो 2000 केजी गंदम है। ठीक, अब एक जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनता है? पहले ऑफर होता है, उसमें ऑफर दी जाती है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होती है, वो प्रॉमिस बनता है, और उसमें कंसीडरेशन होना लाजमी है, जो ये मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं। फिर एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब ऑफर क्या है कि एक बंदा अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रहा है दूसरे बंदे को कि आप ये चीज़ करेंगे या करना चाहेंगे, यानी प्रपोजल दे रहा है, कोई इनवाइट कर रहा है, कोई बंदा इनवाइट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को, तो ये हो गया अपना ऑफर हो गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाता है। दूसरा जब एक्सेप्ट करता है उसे, वो एक्सेप्टेंस हो जाता है। अब ये है कि इसमें ऑफर में एक ऑफरर होता है, दूसरा ऑफरी होता है। जो बंदा ऑफर दे रहा होता है उसे ऑफरर कहते हैं, और जो बंदा ऑफर वो एक्सेप्ट कर रहा होता है या जिसे ऑफर दी जा रही होती है, जिसे ऑफर दी जा रही होती है, वो ऑफरी होता है। अब एक्सेप्टेंस क्या है कि जब कोई भी बंदा अपनी विलिंगनेस जाहिर करता है किसी चीज़ को करने में, जिस प्रपोजल जो दिया गया है उसे, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। अब प्रॉमिस, अब जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वो प्रॉमिस बन जाता है, यानी प्रॉमिस होता है आम लैंग्वेज में जैसे कहते हैं। अब कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन समथिंग इन रिटर्न, उनके दरमियान में जिस चीज पर वो हो रहा है कि एग्रीमेंट हो रहा है, जिस चीज पर प्रॉमिस हो रहा है कि आप चीज एक चीज करोगे उसके बदले में ये चीज दी जाएगी, ये कंसीडरेशन होता है, समथिंग इन रिटर्न होता है। जैसे हमने पिछले केस में देखा, जब अहमद के खरीद रहा था अली से 2000 केजी गंदम, अब अहमद के लिए वहाँ पे 2000 केजी गंदम जो है उसके लिए कंसीडरेशन है, और उसी केस में जो अली है उसके लिए कंसीडरेशन है 50,000 रुपये।
सो अब एग्रीमेंट देखते हैं, एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट के इसेंशियल्स क्या हैं? अब एग्रीमेंट इसेंशियल इसलिए है कि जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसमें इसेंशियल एलिमेंट का होना लाजिम है। अब इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं हमारे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो हमने पहले पढ़ लिया। ऑफर यानी कोई भी प्रपोजल दिया जाता है और उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाती है, वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में आ जाता है। लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन यानी उनमें इंटेंशन होनी चाहिए कि भाई हम जो है, अगर हमारी जो है एक स्पेसिफिक जो भी ड्यूटी थी कॉन्ट्रैक्ट की वो पूरी नहीं की किसी ने, तो हम उनसे कोर्ट में सू कर सकते हैं, केस कर सकते हैं उसके खिलाफ और दूसरी कार्रवाई करके अपनी रेमेडी हासिल कर सकते हैं। ये हमारे इंटेंशन थे उसमें। जो हमारा लॉफुल कंसिडरेशन, अब जो कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न हमें मिल रहा था लॉ के हिसाब से, वो चीज़ हमारी लॉफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी अनलॉफुल चीज़ की हम कंसिडरेशन रख कर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम ड्रग्स की नहीं कर सकते या किसी और चीज़ इस तरह की चीज़ें नहीं दे सकते जो अनलॉफुल हो, जिसे जिसकी कानून ने इजाज़त ना दी हो। अब दूसरा आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी जिसकी कंसिडरेशन हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें एक ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन एक इस तरह की मिलती है कि कोई बंदा कंसिडरेशन इसलिए कि कोई किसी को हायर कर रहा है कि आप किसी का मर्डर करो, या कोई ऐसी चीज़ है जो अनलॉफुल हो, तो ये अनलॉफुल चीज़ है, ये उसके लिए कॉन्सिड्रेशन है, ये अनलॉफुल कॉन्सिड्रेशन है। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट, अब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल हो। जैसे हम गाड़ी वगैरह की करते हैं, कार मोबाइल, ये चीज़ लॉफुल है। अब आते हैं हम फ्री कॉन्सेंट की तरफ। अब कॉन्सेंट क्या होता है? कॉन्सेंट ये होता है कि हमारी रजामंदी, रजामंदी हम किसी चीज़ पे दें, रजामंदी यानी हम फुल विलनेस दे रहे हैं अपनी। अब विलनेस तब तक बरकरार रहेगी जब तक इन चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होगी, यानी फ्री और हमारी फेयर विलिंगनेस होनी चाहिए, फेयर कॉन्सेंट होना चाहिए। अब फेयर कॉन्सेंट तब नहीं होता जब कोर्जन होती है उसमें। कोर्जन ये होता है कि कोई भी बंदा आपसे जो है फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हो, फोर्सफुली आपको इंडल्ज कर रहा हो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, ये हमारी आती है उसमें कोर्जन में आती है। और जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई बंदा आपसे सुपीरियर इन रिलेशन है, यानी डोमिनेंट है आपसे, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या कोई और चीज़ जिसमें आपसे वो बंदा डोमिनेंट है, आप उसे मना नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है। अगर आप उन्हें मना करेंगे या कोई और चीज़, तो वो बंदा आपको किसी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। इनकेस अगर आपको बॉस है तो आप उनके साथ किसी चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल रहा है, वो अपनी मर्जी के जो है रेट्स बता रहा है आपको, पर आपको उस पर एग्री होना पड़ रहा है इस बेसिस पे कि अगर नहीं हुआ तो ये मुझे जॉब से निकाल सकते हैं। दैट केस अब फ्रॉड, फ्रॉड किस तरह होता है कि आपको बताई कोई और चीज़ गई हो कि आप ये चीज़ इतनी खास है और दी कोई और चीज़ जाए, इसे फ्रॉड बोलते हैं। यानी किसी चीज़ की वैल्यू बिल्कुल कम हो लेकिन फ्रॉडुलेंटली आपको जो है वो चीज़ ज़्यादा वैल्यू की करके बता दी गई हो और आपको जो है उसमें एग्रीमेंट में आ जाए आप उनके साथ, ये फ्रॉड में आ जाए। और मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आपको स्पेसिफाई करके नहीं बताया जा रहा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें होंगी कौन सी नहीं होगी। फॉर सपोज आप किसी प्रॉपर्टी का देख लें, अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, वहाँ पे डीलर बोलता है कि यहाँ पे 24 घंटे पानी भी आ रहा है, या इसका मसाला छोड़ें आप ये देखें कि वो बोले कि हाँ भाई आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, ये बस 3 माह में बिल्डिंग तैयार है। हालांकि वो 3 माह क्या 1 साल तक भी तैयार होने के काबिल नहीं है क्योंकि अभी तक वो खड़ी नहीं हुई। वो मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस बंदे को क्योंकि उस बंदे को इतना सेंस नहीं था। अब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज यानी कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, जिस बंदे के साथ, जिसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कानून के तहत, उसे देखा जाता है आया कि वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के एलिजिबल है या उसके एलिजिबल नहीं है। इसमें आ जाता है पहला माइनर। अब नॉट एलिजिबल में माइनर आ जाता है। माइनर जो होते हैं वो अंडर 18 होते हैं, अंडर 18 के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं।
माइनर के बाद आ जाता है हमारा कन्विक्टेड पर्सन, ऐसा पर्सन जो अभी जेल में हो, इन प्रिजन हो, तो उसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसके बाद आता है अपना अनसाउंड माइंड। अनसाउंड किस तरह होता है कि अनसाउंड के दो किस्म होते हैं। अनसाउंड जिस मेंटल वगैरह हो गया अपना, मेंटल है तो उसमें दो किस्म आ जाती हैं। एक इडियट जो फुल्ली मेंटल हो, जिसे कोई सेंस ना हो, और जो ल्यूनेटिक होता है उसमें ये होता है कि वो डिफरेंट इंटरवल्स पे अपने सेंसेस में आ जाता है, तो उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग उस टाइम कि जब वो सेंसेस में हो। पर उसके लिए हमें पर्टिकुलर एविडेंसेस चाहिए होंगी प्रूव करने के लिए कि क्या क्या इसके एविडेंस हैं, हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था या नहीं किया था। अब लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज हमारी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं जिसके साथ, तो उसमें एक लॉ ने हमें, कानून ने हमें एक तरीका बताया हुआ है किस तरह हमें जो है उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जैसे स्टैम्प पेपर होता है, उस पर लिखना है, बोथ पार्टीज के सिग्नेचर होनी चाहिए, दोनों पार्टीज की और कमिश्नर के थ्रू, और ये दोनों की एक विलिंगनेस, जैसे फ्री कॉन्सेंट और दूसरी चीज़ें पीछे वाली, सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, और सारी जो है ऑब्लिगेशंस क्लियरली रिटन होनी चाहिए उस पर। ये उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। अब सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स यानी जो भी चीज़ हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें कोई किस्म की एम्बिक्यूटी नहीं होनी चाहिए, यानी अनक्लियर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ जो है क्लियर होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में कि ये चीज़ आपने करनी है, ये चीज़ है, फला चीज़ है, यानी स्पेसिफाई करके बतानी है आप लोगों ने। ये होता है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी किया जाएगा वो देखा जाएगा आया कि वो पॉसिबल है, एक ऑर्डिनरी बंदे के लिए परफॉर्म करना पॉसिबल है कि परफॉर्म करना पॉसिबल इम्पॉसिबल है क्या वो? तो इसमें देखेंगे कि इम्पॉसिबल किस तरह की चीज़ें। देखें, एक बंदा है, वो किसी डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आप फलां मेरे दोस्त को जिंदा कर दो, जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, मैं आपको इतना सम ऑफ मनी दूंगा, इतना अमाउंट दूंगा। तो ये पॉसिबल चीज़ें नहीं है, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी जब इसकी नहीं है, या कोई और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हों जिसकी पॉसिबिलिटी ना हो, फ्यूचर ऑब्लिगेशन पे जो छोड़ दिए गए हों लेकिन वो चीज़ ना हो पाए उस टाइम। अगर कोई कहे कि माइकल जैक्सन को हम बुला लें, या माइकल जैक्सन को कोई हायर करता, क्या हुआ था किसने पहले कॉन्सर्ट के, पर उसके पहले ही उसकी अगर डेथ हो गई, तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ही नहीं जब उसमें, तो कॉन्ट्रैक्ट किस बात का? अब नॉट एक्सप्रेसली वाइड बाय द लॉ, अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे चीज़ें जिनसे लॉ ने हमें इजाज़त नहीं दी कि हम उनके वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट करें, उन चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट करें, उस पर एग्री हों एक दूसरे के साथ, वो जो है डिक्लेयर वाइड होंगी, जिसकी इजाज़त नहीं दी। जैसे ड्रग्स की नहीं है हमें इजाज़त, अल्कोहल की नहीं है, और ऐसी चीज़ें जैसे केटामाइन जो 2018 में वैलिड थी पाकिस्तान में, लेकिन 2023 में उसे बैन कर दिया गया। केटामाइन को 2018 में ही बैन कर दिया, 18 तक जो है वैलिड थी, उसके बाद अगर कोई उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो वो वाइड है, और उसे जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है देने पड़ेंगे कस्टम्स को और नार्कोटिक्स को। थैंक्स। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था हमारा, जिसमें हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें पहले पहले हमने एग्रीमेंट पढ़ा कि सारे एग्रीमेंट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो इसेंशियल एलिमेंट्स हमने देखे उसमें, जिस जो जो इसमें थे, कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस और इसके फ्री कॉन्सेंट देख लिया। तो इसके बाद हम आगे चल के जो है दूसरे लेक्चर में ऑफर की टाइप्स पढ़ेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की सारी टाइप पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये एक शॉर्ट इंट्रो था आपके इस सेशन का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के स्टार्टिंग का। इंशाल्लाह आगे चल के हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसे रवा दवा रखेंगे। शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।